नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक और सीक्रेट उपाय मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। जी हाँ, देखिए ये उपाय बताने का अर्थ है कि सिर्फ अपनी झोली में नहीं बटोरना, सबकी झोलियों में बांटना, तभी जाकर ईश्वर का भी वरदान और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं जो भी उपाय आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये सारे उपाय मैंने खुद अपनाए हुए हैं, अपने जीवन को मैंने बदलते हुए देखा है, तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मेरे जितने भी पुराने वीडियोज है आप किसी एक को भी उठाकर देख लीजिए, वो सारे रिजल्ट देने वाले होते हैं। ठीक है, क्यों रिजल्ट देने वाले होते हैं? क्योंकि मैं पहले इसे अपनाती हूँ, उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन देखती हूँ, तो मुझे यकीन हो जाता है कि इस उपाय से करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के जीवन को भी बदलने में ये सक्षम उपाय होता है। तो आज जो मैं उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये है माता लक्ष्मी का उपाय। अब माता लक्ष्मी के तो बहुत सारे उपाय मैंने बताए हैं, अभी आगे और भी बताऊंगी, ठीक है ना। तो ये उपाय ये खास क्यों है? क्योंकि एक माँ अपने पुत्रों के नाम से कितने खुश होती है, तो वैसे ही माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम आज मैं बताने वाली हूँ। अगर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले आपने अपने मन की इच्छा में आपने धन को ऐड कर लिया, संपत्ति को ऐड कर लिया, आप सक्सेस को ऐड कर ले, व्यापार वृद्धि को ऐड कर लेते हैं, यानी कि अपनी इच्छा में, और साथ में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं और उनके 18 पुत्रों के नाम अगर आप जाप करते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कैसा मैजिक हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा है, करके देखिए। मेरे हर उपाय आपको रिजल्ट ही देंगे। ये उपाय से इंसान का बहुत ज़्यादा उन्नति होता है, यानी भला ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, मैं माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम बताती हूँ, उसके बाद मैं इसकी विधि बताती हूँ कि आपको करना क्या है। पहला नाम है ओम देव सखाय नमः, दूसरा नाम है शक्लिताय नमः, तीसरा नाम है आनंदाय नमः, चौथा नाम है कर्दमाय नमः, पांचवा नाम है श्रीप्रदाय नमः, और छठा नाम है जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवदाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गलाय नमः, कुरुंटकाय नमः। ये 18 नाम आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, यानी धन धान्य से आपको परिपूर्ण कर सकता है, जीवन में ऐश्वर्य बढ़ाता है, भोग विलासिता ये सारी चीजें बढ़ाता है। तो ये 18 नाम आपको करना कैसे है? हर दिन प्रत्येक दिन सुबह ये इसके नाम को जाप करने के लिए आपको नहाने धोने की जरूरत नहीं है। आप बिना नहाए बिस्तर से जस्ट उठकर ही अपने रिचुअल्स कंप्लीट कर सकते हैं, और इसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। मोबाइल में रख कर आप इसकी एक पिक्चर ले सकते हैं, और बस आपको क्या करना है कि इसे चांटिंग कर लेनी है। इसे चांटिंग कर लेनी है यानी 11 बार अगर आप इन नामों को जाप करते हैं तो इसका चमत्कार बहुत ज़्यादा है। अगर आप 11 बार इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते, इसे मंत्र ही कह सकते हैं क्योंकि ये नाम है और ये नाम के बहुत ज़्यादा फल है। तो ये आप एक बार भी आप बिस्तर से उतरने से पहले आप इन नामों को जाप कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत सारे उपाय बताती हूँ, अभी तो मेरे कम से कम थाउजेंड्स से ज़्यादा वीडियोस हैं, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स उपाय हैं, लेकिन ये किसी एक को सोचकर ये उपाय मैं नहीं बताती हूँ, ये आपकी समस्या को सोचकर मैं जितने भी हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में जितने भी उपाय बताए गए हैं, वो सारे उपाय मैं आप लोगों के बीच में लाते रहती हूँ। किसी न किसी उपाय किसी न किसी के काम में लग जाती है और इससे उनके जीवन में चमत्कार होता है। तो आज जो उपाय मैंने बताया है ये है माता लक्ष्मी के 18 नाम पुत्रों के, जिसे आप अगर आप हर दिन सुबह बिस्तर त्यागने से पहले आप अगर चांटिंग करते हैं 11 बार, नहीं तो सिर्फ एक बार भी, तो आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में बदलाव आप खुद तीसरे दिन से नोटिस करना शुरू कर देंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम का है, इसे आप सेव कर लीजिए और जितना बार हो सके आप इसे सुना कीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं से, अगर वो ग्रसित है, वो कर्ज से डूब रहे हैं, या फिर उनके हमेशा घर का माहौल बहुत ख़राब रहता है, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये एक सीक्रेट उपाय है कि उनके 18 पुत्रों का नाम हर दिन जाप किया जरूर जाना चाहिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसे बरसात होती है धन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।